नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ट्रामा सेंटर में लाखों की दवाइयां पड़ी कबाड़ में, गरीबों के लिए आने वाली सरकारी दवाओं की बर्बादी कैसे होती है या देखना हो तो आप कन्नौज में आकर देख सकते हैं। यहां जिला अस्पताल के पास बने ट्रामा सेंटर में लाखों रुपए की दवाएं और मेडिकल उपकरण कूड़े की तरह फेंक दिए गए हैं। कूड़े की तरह पड़ी दर्द की हजारों टेबलेट की डेट एक्सपायर हो चुकी है, जबकि हाई पोड मिर्क निडिल भी बेकार हो चुकी है। दवाएं के फेंके जाने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार ने पूरे मामले की नोडल अफसर से जांच कराकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कन्नौज के बंद पड़े ट्रामा सेंटर में हजारों की संख्या में पड़ी या डाइसी आइक्लोमाइड टेबलेट दिसंबर 2021 में एक्सपायर हो चुकी है। इसके अलावा दवा चढ़ाने में इस्तेमाल होने वाली हाइपोडर्मिक निडिल भी सैकड़ों की संख्या में कूड़े की तरह फेंक दी गई है। जब मीडिया के कैमरे ट्रामा सेंटर पहुंचे तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सीएमओ से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है, जांच कराकर लाखों रुपए की दवा बर्बाद करने वाले के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सीबू सैनी की रिपोर्ट। कचरे में देखे गए कई गत्ते जो हैं दवाई के भरे हुए पड़े हैं, शायद उनकी कीमत हम तो नहीं बता सकते हैं, उनकी कीमत आप ही बता सकते हैं। अगर गरीबों को ये दवाई मिलती तो उनको कहीं ना कहीं राहत पहुँचाई जाती। नहीं तो अब इसमें ये देखना है कि ट्रॉमा सेंटर में ये दवाई आई कहाँ से, क्या वो एक्सपायरी थी या किस टाइप की दवाई थी, किस मर्ज में काम आती हैं, ये सब जाँच का विषय मैंने डॉक्टर आलाजी को बता दिया है। सर अगर एक्सपायरी दवा होती है तो उसके भी कोई ना कोई आसन होते हैं या वापसी कराने होते हैं? नहीं नहीं, अब ये देखना है कि वो जिला अस्पताल की दवाइयां हैं या सीएससी पीएससी दवाइयां जो ट्रॉमा सेंटर पर कैसे पहुंची, ये तो जांच का विषय है ना। ट्रॉमा सेंटर पर दवाई होती नहीं है, जो वहाँ पर जो एम्बुलेंस वाले रहते हैं वहाँ पर दवाई का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वो गत्ते वहाँ पर पहुँचे तो पहुँचे कैसे, ये जांच का विषय है। जाँच करा कर अपने वहाँ पर जब पहुँचे तो चर्चा हो रहा था ये दवाइयाँ जो हैं एम्बुलेंस के द्वारा कर्मियों को फेंकी गई हैं। नहीं, एम्बुलेंस को क्यों हम लोग अवेलेबल कराएंगे? नहीं नहीं, तो उसमें इतनी बल्क में थोड़ी दवाई दी जाती है, एक तरह की तो हर तरह की दवाई दी जाती है उसमें, तो एम्बुलेंस में तो अभी कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो हम जांच करवा रहे हैं अपने नोडल से करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जाती है तो क्या आप कार्रवाई करेंगे? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होगी, ये तो दवाई का मामला है, अगर ये एक्सपायर दवाई है तो बहुत वो तो जुर्म है एक तरह का। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24।